assalamu alaikum dear student this is lecture number 41 of the database management system course the course code is cs403 in our previous lecture we were discussing the views as you know by now that views are a very important topic in the database systems because number 1 it is the part of the three level schema architecture it is it represent the topmost layer of the three level scheme architecture secondly this is the point this is the layer where the database is accessible to the external world to the end users so this shows their importance because is case Joe up users they are manipulating your database और आप जो अपने डेटाबेस की एक्चुअल लेयर है जो आपके कंसेप्चुअल डाटा डिजाइन है यू आर हाइडिंग दैट यू आर कवरिंग दैट लेयर फ्रॉम द यूजर्स फ्रॉम द एंड यूजर्स यू आर यू आर सेविंग द एक्सेस टू द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन बाय प्रोवाइडिंग दिस एक्सटर्नल लेवल लेयर टू द एंड यूजर्स और इसमें जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज के द यूजर need not to know that they are dealing with the views this is something virtual they are dealing with the virtual tables the views give them the behavior just like the normal table with the tamam operations with the mom where you normally use the tables views go up of a small act or pre hai ke views you have they provide you a mechanism to implement the security you can show you can give access to the users only that data that they should access and saying the same thing in the other words that you can hide the things from the user that you think that you think they should not access in the previous lecture our main discussion was on the dynamic views dynamic views are the views that are basically not uh, stored as yes i mean the data for the dynamic views is not stored as such rather the definition of the view is stored and whenever a user refers the view name in a query that query is executed against which the view has been defined or this is the job excuse me this is the job of the dbms

यूजर विल नॉट नो दैट द व्यू इज़ नॉट बींग यूज एज अ टेबल रदर इट इज़ ए क्यूरी तो इस लिहाज से ये आपको एक जो इस्तेमाल है डाटा बेस का उसमें आपको ये आसानी भी प्रोवाइड करता है इसके अलावा मैंने आपसे कहा है कि ये आपको सिक्योरिटी का एक मैकेजम भी देता है और फिर यह है कि आप जो आपका एक्चुअल डिज़ाइन है उसको और जिस तरह से यूजर डाटा को एक्सेस कर रहे हैं उनके दरमियान आप एक डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं क्यों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि द यूजर इज इंटरेस्टेड इन द इन गेटिंग द डाटा द वे ही वॉन्ट्स टू लेकिन एज ए डिजाइनर यू वॉन्ट टू स्टोर द डाटा एफिशेंटली सो बोथ दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय यू आर स्टोरिंग द डाटा

लेक्चर के इस कोर्स के हिस्से के दौरान वी स्टडीड द थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर देन वी आल्सो स्टडीड द डाटा इंडिपेंडेंस एंड देयर वी स्टडीड स्टडीडर टू टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस वन इज द लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड अदर इज द फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस तो जो आपकी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है दैट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द एक्सटर्नल व्यू ये जो आपके व्यूज हैं उनके बेसिस पे यानी आप जो यहाँ पे आपने कंसेप्चुअल डिज़ाइन में जो चेंज करते हैं तो अगर आपने व्यूज़ के जरिए एक्सेस दी हुई है यूजर्स को तो अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो जो आपके एग्जिस्टिंग व्यूज़ हैं वो अन रहेंगे उस पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दिस इज अट ऑफ समरी वट वी हैव स्टडीड अबाउट द व्यूज सो फार तो आज का हमारा जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो व्यूज़ के बारे में ही जो हमारी डिस्कशन थी उसी की कंटिन्यूएशन है तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं

आज का जो लेक्चर हम इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ये कि हाउ वी कैन अपडेट व्यूज दैट इन्वॉल्व मल्टीपल टेबल्स इसमें यह है कि वी कैन अपडेट और वी कैन इंसर्ट द रो थ्रू ए व्यू इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेबल्स बट द थिंग इज के वी हैव टू डू इट वन एट अ टाइम उनमें से किसी एक टेबल में एक वक्त में हम एंटर करेंगे अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हमने एक ऐसा व्यू डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो कि दो टेबल्स पे मुश्तमिल है या दो टेबल्स से डाटा कलेक्ट करता है ये है जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक स्टूडेंट है और एक प्रोग्राम है सो व्यू हैज़ बिन डिफाइंड ऑन द स्टूडेंट टेबल एंड द प्रोग्राम टेबल देन वी हैव गिवन द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट इन द व्यूज अगेन फिर वही हमने नेमिंग कन्वेंशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया है एंड द नेम्स दैट वी हैव हैन ए टू ए थ्री एंड फोर उसके बाद है एज दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज द पार्ट ऑफ़ द स्टेटमेंट उसके बाद है द स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द व्यू और वो क्या है वी हैव गिवन सेलेक्ट स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नेम प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम अगेन बिकॉज प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट इज डिफाइंड एज सच इन बोथ द स्टूडेंट एंड द प्रोग्राम दैट इज़ वाई वी हैव टू क्वालिफाई द प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट विद द टेबल नेम तो इसलिए हमने कहा हुआ कि प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम उसके बाद है कॉमा प्रोग्राम क्रेडिट्स दिस इज दीब्यूट ऑफ द प्रोग्राम टेबल उसके बाद हमने कहा फ्राम स्टूडेंट कॉमा प्रोग्राम ये दो टेबल्स हैं जहां से हम डाटा फैच कर रहे हैं वेयर स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम सो दिस इज ए ज्वाइंट स्टेटमेंट अब यहां पर आप देखिए इस वक्त हम जो डाटा एंटर कर रहे हैं वी आर एंटरिंग द डाटा इन टू the attributes of the view that correspond to the attributes of the program table because we have used A3 or A4 and because A3 is uh, defined corresponding to the program name attribute of the program that is the primary key of the program table. So it means that we are we are fulfilling the requirements of entering the data through the view because I told you in the previous lecture that you cannot ignore दी नॉट नल एट्रीब्यूट एंड डेफिनेटली द प्राइमरी की इज डेफिनेटली ए नॉट नल एट्रीब्यूट तो ए थ्री ए फोर हमने दो हमारे एट्रीब्यूट थे इसमें अगर आप देखें तो हमने जो वैल्यूज दी हैं वो हैं एम एस सी एम एस सी इज़ द प्रोग्राम ने और नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द्रेडिट्स वो हमने उसको वन टेन वैल्यू दे दी है सो so, अब जब हमने ये कर दिया ये बात तो आप जानते ही हैं कि वी आर डिस्कसिंग द डायनामिक टेबल्स डायनामिक टेबल्स से हम बात यह है कि उनका अपना कोई डाटा नहीं है अब जिस वक्त हम इसको हमने यानी जब स्टेटमेंट को जब डाटा इंसर्ट कर दिया और बाहिर हमने व्यू के जरिए किया लेकिन अगर आप ये देखें कि प्रैक्टिकली जो डाटा जाके स्टोर हो रहा है वो हो रहा है टेबल के अंदर ठीक है इसलिए जहाँ पर जब मैंने जो सेलेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है दैट सेलेक्ट स्टेटमेंट आई हैव गि ऑन दी प्रोग्राम टेबल ठीक है अगर आप इसको आप देखें तो हियर इज आवर प्रोग्राम टेबल आप देखें कि इसमें आपके पास तमाम जो पहले से प्रोग्राम हमारे पास थे प्रोग्राम टेबल में वो हैं और आखिर में जो हमें आठवां रिकॉर्ड नजर आ रहा है दैट इज एम एस ई यानी जो हमने करंट रिकॉर्ड एंटर किया है एंड सी द टोटल सेमेस्टर एट्रीब्यूट इट कंटेन्स ए नल वाई बिकॉज टोटल सेमेस्टर वॉज नॉट डिफाइंड एज पार्ट ऑफ व्यू दैट वी जस्ट डिफाइन। उसमें जो दो एट्रीब्यूट थे वो कौन से थे प्रोग्राम नेम एंड प्रोग्राम क्रेडिट्स तो उन दोनों की वैल्यू हमने एंटर की थी दैट इज देयर लेकिन चूंकि इसमें टोटल सेमेस्टर नहीं था और वेन एन एट्रीब्यूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द व्यू देन ऑब्वियसली वी कैन नॉट एंटर द वैल्यू फॉर दैट एट्रीब्यूट थ्रू द व्यू जाहिर है कि हम बाद में उसको टेबल पे ऑपरेशन करके अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन व्यू के जरिए जाहिर है कि हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर नहीं कर सकते अगर आप अगली साइड पे देखें अगेन वी एंटर्ड द डाटा फॉर द फर्स्ट टू एट्रीब्यूट एंड दो एट्रीब्यूट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल ठीक है और अगेन वी हैव गिवन द वैल्यूज फॉर द नल एट्रीब्यूट देखिए अगर जो हमारे व्यू की डेफिनेशन थी उसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट शामिल ना होता दैट वी हैव डिक्लेयर एज नल इन द डेफिनेशन ऑफ द टेबल तो फिर व्यू के जरिए हम डाटा एंटर ना कर सकते अब इतफाक से चूंकि हमने जो हमारा स्टूडेंट टेबल था इन दैट वी हैव गॉट टू नॉट नल एट्रीब्यूट एक तो प्राइमरी की है दैट इज बाई डिफॉल्ट और इसके अलावा हमने uh, जब डिफाइन किया था स्टूडेंट टेबल इन द डेफिनेशन वी ऑल्सो डिक्लेयर्ड द नेम एज नॉट नल एट्रीब्यूट तो इसलिए हमने इन दोनों की वैल्यू दे दी है और जब हमने इसको स्टूडेंट से डाटा को एक्सेस किया नॉ वी सी हीयर कि ये हमारे पास डाटा आ गया और इसमें अगर आप लास्ट रिकॉर्ड देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि वही बिलाल मसूद का रिकॉर्ड जो है वी डैट वी जस्ट एंटर्ड वो है और तमाम एट्रीब्यूट में नल है लेकिन जो करंट सेमेस्टर है दैट कंटेन्स ए वन वाई ड्यू टू द डिफॉल्ट वैल्यू जो कि हमने करंट सेमेस्टर के लिए रखी हुई है इंटरेस्टिंग थिंगी थिंगी डाटा बेस का कोई लफ्ज नहीं है ये इसको वैसे थिंग को हमने प्यार से थिंगी बना दी है तो इसमें अब देखें कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम व्यू को सिलेक्ट करें अगर हम डाटा एक्सेस करें थ्रू द व्यू तो इसमें हमें जो वो दोनों रिकॉर्ड्स हैं जो कि अभी अभी हमने एंटर किए थे वो नजर नहीं आ रहे है. ऐसा क्यों है हालांकि अब सोचने की बात यह है कि अभी हमने जो रिकॉर्ड एंटर किए हैं दोज हैव एंटर थ्रू द व्यू फाइन और दोनों एंटर भी हो गए हैं दैट वी हैव सीन द टेबल्स लेकिन जब हमने इसी अपने इसी अपने यानी व्यू के जरिए जब डाटा को एक्सेस किया तो हमें इंटरेस्टिंग थिंग है वही रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहे क्योंकि अभी हमने थ्रू द व्यू एंटर किए हैं और आई होप कि आपको इसकी रीजन समझ आ गई होगी कि हमने जो व्यू डिफाइन किया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द ज्वाइन कंडीशन ठीक है क्योंकि जब हम कहते हैं कि इस व्यू के अंदर वो रोज़ आएंगी कि जिनमें प्रोग्राम नेम स्टूडेंट टेबल के अंदर और प्रोग्राम नेम जो हमारा था प्रोग्राम टेबल उसके अंदर जिन में जिन में जिन रोज की दोनों टेबल्स में वैल्यू सेम है वो रोज़ जो है वो ज्वाइन होंगी हमारे इस व्यू के अंदर नाउ द सिचुएशन इज के वी हैव एंटर्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम नेम इन दी प्रोग्राम टेबल क्यों बिकॉज इट वॉज द प्राइमरी की देयर तो हमने वो तो वहां पर एंटर कर दी हुई है लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप देखें कि उसको उसको अगर आप देखें जो हमारा स्टूडेंट टेबल है तो वहां पर हमने प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू एंटर नहीं की बल्कि हम कर ही नहीं सकते थे क्यों बिकॉज प्रोग्राम नेम एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट टेबल वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द व्यू द डेफिनेशन ऑफ द व्यू चूंकि वो उसमें शामिल ही नहीं था तो अब हम उसमें एंटर ही नहीं कर सकते इसलिए आपने जिस वक्त डाटा को बाद में एक्सेस किया है थ्रू द व्यू तो आपको वो दोनों रोज जो कि आपने अगरचे व्यू के जरिए एंटर की हैं वो दोनों रोज आपको नजर नहीं आ रही अब यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस व्यू को डिफाइन करते विद चेक ऑप्शन तो क्या होता दिस इज एन असाइनमेंट दैट आई एम लिविंग फॉर यू आप इसको चेक कीजिए और फिर आप इसकी लॉजिक खुद से स्टेब्लिश करें इसकी रीजन के बेस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर हम यही व्यू दोबारा डिफाइन कर लें विद विद चेक ऑप्शन और फिर देखिए कि जब हम इसमें ये दो रिकॉर्ड एंटर करते हैं जो दैट वी तो उस केस में हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा एज हैव स्टडीड बिफोर दैट वी कैन ऑल्सो यूज the aggregate functions in the definition of view rather this was uh, one of the basic reasons of defining the views because when we have to apply the aggregate function that involves a huge number of rows to avoid avoid typing that thing again and again we can define the the uh, the view so in this example i am going to show you a definition of a view that involves एग्रीगेट फंक्शन ये अगेन वी है एट्रीब्यूट और यहां हम देखें कि हमने कहा हुआ सिलेक्ट प्रोग्राम नेम कॉमा एवरेज सी जी पी ए नो एवरेज इज एन एग्रीगेट फंक्शन दैट वी आर अप्लाइंग ऑन दी जी पी एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल फाइन और फिर उसके बाद चूंकि आपको यह पता था कि वेन वी वे आर यूजिंग An aggregate function. In that case, we cannot give the name of uh, a normal attribute unless we use that attribute in the group by clause. So, in this situation, we are using the program name in the select list, but at the end of the statement, we are giving the group by clause and we are giving the uh, the, proj, uh, the program name attribute there. So, this is a legal statement.

जो आपके तमाम प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्राम वाइज जो एवरेज सी है दैट यू आर सींग थ्रू दिस व्यू, फाइन एक और चीज़ याद कीजिए कि वी जस्ट एंटर द डाटा ऑफ द एम एस ई प्रोग्राम इन द प्रोग्राम टेबल दैट यू आर नॉट सेंग हियर, वाई बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी स्टूडेंट सोफा दैट हैज बीन रजिस्टर्ड इन एम एस ई प्रोग्राम

एवरेज के जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी लेंथ को कम कीजिए और आपको हिंट के तौर पर बता दूं कि ये काम हम पहले एक दफा कर चुके हैं इसी कोर्स में विद द प्रीवियस स्लाइड आवर डिस्कशन ऑन द डायनामिक व्यूज एंड्स नाउ वी एंटर नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यूज एंड दैट इज मटीरियलाइज्ड व्यूज और मटीरियलाइज्ड व्यूज का बेसिक आइडिया यही है कि जिस वक्त आपके पास एक व्यू के अंदर डायनामिक व्यू का बेसिक आइड यही है ना कि वो आपके व्यू की डेफिनेशन को स्टोर कर लेता है बट सी इन द रियल लाइफ एप्लीकेशंस बास टेबल्स पे में बहुत ज्यादा डाटा होता है और जिस वक्त आप उस टेबल पे व्यू डिफाइन करते हैं और ऐसे व्यूज दैट इन्वॉल्व जॉइन और द एग्रीगेट फंक्शंस अब जाहिर है कि आपको एक स्टेप पे सोलो तो मिल गई कि यू डू नॉट हैव टू राइट दैट डेफिनेशन अगेन एंड अगेन बिकॉज यू हैव स्टोर्ड द डेफिनेशन ऑफ दैट व्यू एज ए डायनेमिक व्यू फाइन यू कैन सिंपली यूज द नेम ऑफ द व्यू एंड द डी बी एम एस विल ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट दैट डेफिनेशन ऑफ द व्यू फाइन दिस इज वन लेवल ऑफ कन्वीनियंस वन लेवल ऑफ फैसिलिटी बट द थिंग इज के दिस कम्स ए स्टेज When even that is not sufficient, why? Because the number of rows involved in natural join or in the aggregate function is so large that it consumes so much time. So, although we have gained one level of facility, one level of convenience, but still we need more. So, materialized views provide us another level of efficiency, another level of convenience. Okay? वो ये है कि मटीरियलाइज व्यूज जो हैं दे दे स्टोर द डाटा एज वेल यानी पहले तो ये था आपके पास के आपके पास सिर्फ डाटा की डेफिनेशन स्टोर हो रही है आपके व्यू की अब ये है कि वो डाटा वो डाटा दैट इज बीइंग जनरेटेड एज द रिजल्ट ऑफ द व्यू दैट डाटा इज आल्सो बीइंग स्टोर्ड तो फिर आप खुद ये महसूस कर सकते हैं कि इसमें अब वो तमाम क्योरेज देखें इसमें इंटरेस्टिंग बात यही है कि वो तमाम क्योरेज जो कि बेशक व्यू को रेफर ना भी करें लेकिन जिस बेसिस पे ये मटेरियलाइज्ड व्यू क्रिएट हो रहा है अगर उसको भी रेफर करेंगे तो ये जो आपका मटीरियलाइज व्यू है ये रेफर हो जाएगा फाइन Views are virtual tables and uh, that is also being called, being said about the dynamic views. Fine, query executed every time. For complex queries involving large number of join rows and aggregate functions, it is problematic. This we have discussed here. Well, bucket full of tears. Solution is materialized views, also called indexed views created through clustered index. अब यहाँ पे जो यानी यहाँ पे हम टर्म्स वाल करेंगे वो ये इंडेक्स फ्यूज की या फिर ये कि हम उनको जिसके ज़रिए क्रिएट करते हैं दे आर क्लस्टर्ड इंडेक्स जो क्लस्टर्ड इंडेक्स थे वो पहले पढ़ चुके हैं बट दैट वॉज रिगार्डिंग द टेबल हमने कहा था कि आप टेबल पे जो क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करते हैं वो एक होता है और वो जनरली प्राइमरी की के ऊपर होता है यानी जो फिजिकल अरेंजमेंट है रिकॉर्ड्स की वो आपकी प्राइमरी की के बेस पे होता है तो आपका जो क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो उसी पे क्रिएट होता है अब जो आपके इंडेक्स्ड व्यूज हैं इसका जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इंडेक्स्ड व्यूज लेकिन ये भी जो क्रिएट होते हैं वो क्लस्टर्ड इंडेक्स के थ्रू होते हैं और क्लस्टर्ड इंडेक्स का आइडिया यही है कि वो जो ऐसा इंडेक्स के जो रिकॉर्ड्स के फिजिकल ऑर्डर को पे बेस करता है क्रिएटिंग ए क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन ए व्यू स्टोर्स द रिजल्ट सेट बिल्ट एट द टाइम द इंडेक्स इज क्रिएटेड यानी जैसे हमने कहा था कि टेबल जो जो जिस पे जो जो टेबल पे इंडेक्स है आपके टेबल जो है उस सीक्वेंस पे स्टोर होगा और नॉर्मली वो प्राइमरी की है इसी तरह से जब आप व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू के नतीजे में जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है जब आप उस व्यू के ऊपर क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करते हैं यानी जब व्यू के ऊपर क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो वो डाटा जो कि व्यू के व्यू के view के, आ, के लिए जनरेट हो रहा है वो वहां पे स्टोर हो जाता है जबकि इससे पहले जो हमने डायनामिक व्यूज के पढ़ा था जिनको हमने वर्चुअल टेबल्स कहा था उसमें ऐसा नहीं होता था उसमें डाटा स्टोर नहीं होता था बल्कि डाटा हर दफा क्यूरी एक्सक्यूट होने के बाद टेबल से आ, फैच होता था लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो डाटा फैच होगा क्यूरी एक दफ़ा टेबल से वो जब आप क्रिएट करेंगे क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन व्यू तो वो डाटा भी फिजिकली स्टोर हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको यू गॉट एनदर लेवल ऑफ एफिशंसी क्या वो आपको एक क्यूरी भी एक्सिक्यूट नहीं हो रही बल्कि स्ट्रेट आपको वहां पे डाटा मिल रहा है एन इंडेक्स्ड व्यू आल्सो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स मॉडिफिकेशन मेड टू द डाटा इन द बेस टेबल्स आफ्टर द इंडेक्स इज क्रिएटेड द सेम वे एन इंडेक्स क्रिएटेड ऑन ए बेस टेबल डेज डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अब तक कई मरतबा ये चीज़ रियलाइज़ करवा चुका हूँ कि फैसिलिटीज़ जो आपको मुख्तफ मिलती हैं डी बी एम एस से इस्तेमाल करते हुए वो फैसिलिटीज़ नॉर्मली आपको कॉस्ट करती हैं और कॉस्ट किस सेंस में कॉस्ट करती हैं इन द सेंस ऑफ स्टोरेज डिस्क स्टोरेज और सेकेंडली कॉस्ट इन द कॉस्ट इन द सेंस ऑफ एक्सिक्यूशन टाइम तो यही बात मैं आपको बार बार इंडेक्सेस के सिलसिले में कहता रहा हूं कि जब भी आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो वो हर इंडेक्स के अगेंस्ट एक इंडेक्स फाइल क्रिएट होती है और उसमें जाहिर है कि वो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और साथ ही जब आप कोई भी अपने बेस टेबल में अब यहाँ पर हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बेस टेबल बेस टेबल से मुराद आप नॉर्मल टेबल ही ले लें ऐसा टेबल ऐसा रिलेशन जिसके अगेंस्ट डाटा प्रैक्टिकली स्टोर हो रहा है उसे बेस टेबल कहते हैं तो जब भी आप बेस टेबल में डाटा एंटर करते हैं क्योंकि आपका डाटा के बेस टेबल में जा रहा है तो उसके जब आप डाटा एंटर करेंगे तो वो जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो जाके प्लेस होगा अप्रोप्रेट जगह पे, जहां पे जगह बनती है उसकी अपने स्टेबल में लेकिन साथ ही जिन जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर यू हैव क्रिएटेड द इंडेक्सेस वो इंडेक्सेस भी जो है वो आपके अपडेट होंगे वो जो उसकी की है हर इंडेक्स जिस की पे डिफाइन है वो उसमें हर इंडेक्स में जाके वो जो उसकी की वैल्यू है वो एडजस्ट होगी अप्रोप्रेट जगह पे जाके और साथ ही जो लिंक है इस नए रिकॉर्ड का वो भी स्टेब्लिश हो जाएगा इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह से इंडेक्सेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके मुताबिक जो है वो ये एडजस्टमेंट होगी अब यही सूरत हाल हमारे साथ मटीरियलाइज व्यूज के साथ भी है कि अगेन सूरत हाल ये है कि आपका जो डाटा है वो तो जा रहा है आपके बेस टेबल के अंदर फाइन लेकिन साथ ही जो आपके जो आपके मटीरियलाइज्ड व्यूज हैं अब यह है कि सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि अब कि हमारे पास व्यू की सिर्फ डेफिनेशन स्टोर्ड है बल्कि अब ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं आपसे बता चुका हूं कि अब आपका जो इसके नतीजे में डाटा जनरेट होता है व्यू के एग्जीक्यूशन में अब वो डाटा भी स्टोर हो रहा है तो इसलिए जो आपने बेस टेबल में डाटा एंटर किया इसके साथ ही ये होगा कि जो आपका मटीरियलाइज्ड व्यू है इसका डाटा भी जाके अप्रोप्रिएट जगह पे जहां पे इसकी सीक्वेंस बनता है वहां पे जाके इंसर्ट होगा इसका मतलब ये है कि व्हेन यू हैव क्रिएटेड द इंडेक्सेस वेदर दे आर डाय सॉरी व्हेन यू हैव क्रिएटेड द व्यूज तो व्यूज के जो डायनामिक व्यू है उस पर तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी तो हमेशा क्यूरी एक्सिक्यूट होनी है लेकिन जब आपने इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं चाहे वो क्लस्टर्ड इंडेक्स है चाहे वो अनक्लस्टर्ड इंडेक्स हैं, चाहे वो टेबल के ऊपर इंडेक्स है चाहे वो, वो जैसे हमने ये पढ़ा व्यू के ऊपर इंडेक्स है जब आप डाटा एंटर करते हैं तो दैट डाटा इज एडजस्टेड नॉट ओनली इन द बेस टेबल बट आल्सो ऑल द रेलेवेंट इंडेक्सेस आर अपडेटेड और यही चीज होगी आपके मेटीरियलाइज व्यू के साथ भी इसके साथ भी जब आप इसके बाद जब आपने डाटा एंटर कर दिया टेबल के अंदर जब बाद में आप अपने मेटेरियलाइज्ड व्यू को से डाटा को एक्सेस करेंगे तो वो डाटा जो अभी आपने टेबल में एंटर किया था वो भी आपको उस व्यू में नजर आएगा एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस और फर्क है दोनों में डायनेमिक व्यू में और मेटीरियलाइज्ड व्यू में डायनेमिक व्यू में तो क्या होगा कि क्यूरी एग्जीक्यूट होगी वहां से डाटा उसको मिल जाएगा लेकिन मटीरियलाइज्ड व्यू में डाटा जाके उस इंडेक्स में स्टोर होगा बिकॉज दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए डायनेमिक व्यू एंड ए मटेरियलाइज्ड व्यू

बट ऑल्सो इन दी इंडेक्सेस चाहे वो क्लस्टर्ड इंडेक्स हों चाहे वो अनक्लस्टर्ड हों तो आपको हमेशा खासतौर तो पर इस केस में जो आपका मटेरियाइज व्यू है इस केस में आप ये इस चीज को अच्छी तरह एनालाइज करें कि जो हमें ओवरहेड मिल रहा है दोनों केसेस में दोनों केसेस में कौन कौन से स्टोरेज केस में भी क्योंकि डाटा आपका डुप्लीकेट हो रहा है और साथ ही आपका जो जो उसकी एडजस्टमेंट है जो प्रॉपर प्लेसमेंट है अरेंजमेंट है इसमें जो ओवरहेड आपको मिल रहा है उसकी नस्बत जो आपको बेनिफिट मिल रहा है मटीरियलाइज व्यू क्रिएट करने का वो ज्यादा है तब आप क्रिएट कीजिए वरना डोंट गो ब्लाइंडली फॉर सच डिसीशन दे आर क्रूशल डिसीशंस अब ये आपके सामने फिर एग्जांपल है इसमें हमने कहा कि अल्टर व्यू अल्टर व्यू ये है कि जब हम कोई व्यू चेंज करना चाहते हैं तो एक लिहाज से हम आल्टर व्यू कह के उसको दोबारा क्रिएट कर लेते हैं हमने कहा एस टी व्यू वन स्टूडेंट के ऊपर ही हमारा व्यू है विद स्कीमा बाइंडिंग अब ये वो ऑप्शन है जो कि हमने पहले यूज़ नहीं की जिस व्यू के ऊपर आप क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं या आप यूँ कहें कि जब आप मटीरियलाइज्ड व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो सीक्ल सर्वर में माइंड इट दिस इज स्पेसिफिक विद द सीक्ल सर्वर अगर आप कोई और डीबी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसकी आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको देखिए तो सीक्वल सर्वर में अगर आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको वो व्यू जो है वो आपको इस ऑप्शन के साथ क्रिएट करना पड़ेगा विद स्कीमा बाइंडिंग इससे मुराद यह है कि आपका जो ये व्यू है इसकी बाइंडिंग जो है इसका ये बाइंड हो जाएगा स्कीमा के साथ इससे मुराद यह है कि जो जिन टेबल्स पे यह व्यू बेस करता है अगर आप उन टेबल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो जब तक आप इन व्यूज़ को खत्म नहीं करेंगे या इनके साथ बाइंडिंग खत्म नहीं करेंगे तब तक आप उन टेबल्स को भी डिलीट नहीं कर सकेंगे तो दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी मटीरियलाइज्ड व्यूज़ के उस व्यू को आप इस ऑप्शन के साथ क्रिएट करें अदरवाइज बाकी जो व्यूज़ हैं जितने भी हमने अभी तक क्रिएट किए हैं उनमें हमने ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की थी इसका मतलब यह है कि वो हमारे क्लस्टर्ड व्यूज़ नहीं थे आगे हमने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फादर नेम प्रोग्राम नेम

स्टूडेंट स्टूडेंट हमारा वही टेबल है जो कि अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और डिब्यू जो वो ओनर का नाम है वेयर प्रोग्राम नेम इज़ इक्वल टू एम सी एस और दिस इज़ ए मटीरियलाइज्ड व्यू अब इसमें यह है कि जो भी डाटा इसके नतीजे में क्रिएट हो रहा है वो डाटा कौन सा है वो वो ये तीन एट्रीब्यूट हमारे स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फादर नेम और प्रोग्राम नेम जहाँ के एम के तो एम के तमाम स्टूडेंट्स के ये तीन एट्रीब्यूट जो हैं वो अब इस व्यू डेफिनेशन में आ गए अब इसके बाद यह वो स्टेटमेंट है कि जिसके जरिए हमारे पास एक जो क्लस्टर्ड इंडेक्स है ऑन द व्यू दैट विल बी क्रिएटेड तो क्या हमने कहा कि क्रिएट यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स स्टूडेंट व्यू और इसको हमने इंडेक्स वन ये एक नाम दे दिया स्टूडेंट व्यू तो के ऊपर हो रहा है और क्योंकि इंडेक्स है तो उसको इंडेक्स कह दिया तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है आप अपनी नेमिंग कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट करें ऑन एस टी व्यू वन और फिर जिस एट्रीब्यूट के बेस पे ये इंडेक्स क्रिएट होगा उस एट्रीब्यूट का हमने नाम दे दिया अब आपका क्या हो रहा है कि आपका जो डाटा इस व्यू के अंदर है इस व्यू के अंदर है डाटा वो सारे का सारा डाटा जो है वो आपका आ जाएगा फिजिकली स्टोर हो जाएगा और जो आपका इंडेक्स क्रिएट होगा वो स्टूडेंट फादर नेम के बेस पे क्रिएट होगा अब इसमें यह है कि आप अगर फर्ज करें कि जो आपका स्टूडेंट व्यू वन है जो कि आपका एक मटीरियलाइज्ड व्यू है इसको इस्तेमाल किए बगैर भी इवन किसी जगह पे अगर आप स्टूडेंट फादर नेम को इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी ये जो आपका व्यू है दिस विल ऑटोमेटिकली बी रेफर्ड हालांकि इस व्यू का नाम उसमें नहीं आ रहा लेकिन ये जो डी बी एम एस है वो इतने स्मार्ट है कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस एट्रीब्यूट के ऊपर हमारे पास कहीं इंडेक्स मौजूद है उसको रेफर कर लेंगे तो दिस इज हाउ यू क्रिएट द मटीरियलाइज्ड व्यूज द नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यूज दैट वी कम अक्रॉस इज द पार्टीशन व्यूज पार्टीशन व्यूज जो हैं बेसिकली इस कोर्स के लिए मतलब मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ कोर्स है इसलिए कि प्रॉपरली दे आर स्टडीड एज ए पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कोर्स ऑन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूट डाटा बेस तो बेसिकली ये जो टॉपिक uh, है ये प्रॉपरली तो उस सब्जेक्ट uh, का है लेकिन इस कोर्स uh, के अंदर आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कई आइडिया क्या है मैं इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको uh, उस पर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अभी आपको उस पर कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके इस कोर्स के लिए दिस इज़ टो मच लाइक इन एनी वे पार्टीशन व्यूज का आइडिया जो है ये इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेसिस के अंदर वहाँ पर ये आइडिया ये है कि आपके पास डिफरेंट लोकेशन हैं और डाटा आपका डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस्ड है इट कुड बी ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजंस लेकिन हम ये सपोज कर रहे हैं कि डाटा इज प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेस एंड द ऑब्जेक्टिव इज बिंग सर्व्ड एट द इंडिविजुअल साइट्स दैट इज The users at the individual sites they are accessing the data and their requirements are being fulfilled, but there are certain requirements that require data not only from a single place rather from the multiple places. Suppose we are we have stored data at two different places her site they have their own users or the data that is stored at a local site. देर सर्टन यूजर्स दैट रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द साइट और इसकी एग्जाम्पल आपको मैं समझाने के लिए कह सकता हूं मिसाल के तौर पर आप देखें जैसे बैंक है ब्रांचेस ऑफ द बैंक थ्रू द पाकिस्तान कंसिडर एनी बैंक और आजकल तो हमारे जितने बैंक हैं वो हमें ऑनलाइन सर्विसेस भी और जो आपके पास ए टी एम मशीन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप नो देंगे इसके बैंक्स कैन स्टोर ऑल देर डाटा एट ए सिंगल प्लेस फाइन वो हो सकता था बट दैट हैज गॉट सर्टन प्रॉब्लम्स वो ऐसा नहीं करते वो क्या करते हैं कि वो दे स्टोर द डाटा रीजन वाइज फर्श कीजिए मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि ठीक है जो हमारे पिंडी के अराउंड यूजर्स हैं जो बैंक्स हैं ब्रांचेज हैं उनके लिए वी स्टोर द डाटा एट अ प्लेस इन पिंडी देन अगेन द ब्रांचेज ऑफ द यूजर्स दैट आर

अपनी लोकल जो डाटा जहाँ पे स्टोर है वहाँ से वो एक्सेस कर रहे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फर्ज करें कि जो आपके बैंक की जो इंतजामिया है जो उनकी हायर मैनेजमेंट है उनको डाटा चाहिए ऐसा कि जो ऐसी क्यूरी उनको मतलब चाहिए कि जो स्पेन करती है जो फैलती है जो अप्लाई होती है ऑन ऑल द डाटा स्टोर फर्ज करें कि वो कहते हैं कि जी हम देखना चाहते हैं कि हमारे आ, कौन से कस्टमर हैं हमारे कौन से क्लाइंट छोड़ रहे हैं कि जिन्होंने हमसे लोन लिया हुआ है या फर्ज करें हमारे ऐसे कौन से कस्टमर हैं कि जो जिन्होंने पिछले साल के दौरान जो है वो फर्ज करें कि पांच मिलियन से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है अब नो दिस इज अ अवरी दैट कैन नॉट बी ओनली फुलफिल्ड फ्रॉम अ सिंगल साइड बट इट हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइट्स तो इस तरह का जो व्यू है कि वो सूरत हाल कि जब आपका डाटा जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर्ड है और एट ईच प्लेस इट इज सर्विंग सर्विंग इट्स पर्पस बट देर एज सर्टन रिक्वायरमेंट दैट रिक्वायर्स डाटा फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्लेसेस तो उस केस में हम क्या करते हैं सोल्यूशन ये है कि हम पार्टीशन व्यूज क्रिएट कर लेते हैं पार्टीशन व्यू क्या होता है कि डाटा आपका जो व्यू क्रिएट है जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि व्यू जो है इज लाइक ए विंडो यू हैव क्रिएटेड अ विंडो दैट इज कलेक्टेड डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल टेबल्स से डाटा हम व्यूज में अब भी एक्सेस कर चुके हैं द ओनली डिफरेंस विद द पार्टिशन व्यूज इज़ के इनके अंदर जो डाटा होगा वो एक सिक्वल सर्वर के ऊपर या जो भी डी बी एम एस आपका है एक डीबीएमएस के अंदर नहीं है एक लोकेशन पर नहीं है इट इज़ ऑन द मल्टीपल लोकेशंस मल्टीपल लोकेशन से हम यह है कि दो अलग अलग आपके डी बी रन कर रहे हैं वेल well, थ्रेटिकली तो वो एक ही मशीन के ऊपर भी हो सकते हैं यानी अगर आपने आइडिया को टेस्ट करना है तो वो एक ही मशीन के ऊपर भी हो सकते हैं लेकिन जो रियल सेंस में आपके पास पार्टीशन व्यूज़ हैं उसमें यह है कि वो लाजमी तौर पर दो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर होने चाहिए वो जो डीबीएमएस आपके रन कर रहे हैं और वो दो कंप्यूटर डेफिनेटली आपस में लिंक्ड होंगे थ्रू नेटवर्क चाहे वो लोकल एरिया हो चाहे वो वाइड एरिया हो लेकिन वो आपस में दोनों कंप्यूटर लिंक्ड होंगे डाटा स्पेस्ट हो रहा है इस पेस्ट हो रहा है यू आर क्रिएटिंग ए व्यू दैट इज एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम बोथ दिस प्लेसेस और बोथ तो इसलिए कि मेरे दो हाथ हैं लेकिन बात है मल्टीपल की मतलब ये दो सौ भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं आइडिया यह है कि मल्टीपल लोकेशन से तो दिस इज द आइडिया ऑफ पार्टीशन व्यूज हम यहाँ पर उनको क्रिएट नहीं करेंगे और uh, हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपके जहन में एक आइडिया होना चाहिए कि पार्टीशन व्यूज होते क्या हैं। लेट्स नॉट डिस्कस इट क्यों क्योंकि क्यों मुश्किल है आइडिया इज डेटा लाइंग एट मल्टीपल प्लेसेस एंड कंबाइंड इन ए व्यू जैसे मैंने आपसे भी कहा है सेम टेबल पार्टीशन हॉरिजेंटली बेस्ड ऑन कंडीशन जो तमाम जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया खासतौर पे बैंक का वही सिनेरियो है बट दिस स्टेटमेंट लुक्स एट द सेम थिंग फ्राम एनअर परस्पेक्टिव यानी आप ये सपोज कर लें कि जैसे बैंक के क्लाइंट्स हैं बैंक के कस्टमर्स हैं अब यह है कि जो डाटा आपने अपने, अपने कस्टमर के बारे में स्टोर करना है अब वो कस्टमर चाहे उसका अकाउंट एक क्लाइंट है बैंक का चाहे उसका अकाउंट कराची की किसी ब्रांच में है चाहे वह लाहौर की किसी ब्रांच में है चाहे वो झेलम के किसी ब्रांच में है चाहे वो पशावर किसी ब्रांच में है जो आप एक बैंक के अंदर जब आप डाटा स्टोर करते हैं जो आपको वहां पे डाटा स्टोर करना अपने किसी भी क्लाइंट के बारे में वो तो सेम है जब आप एक बैंक की बात करते हैं तो या ऑलमोस्ट सेम है मतलब मेरे ख्याल से कि 99 परसेंट तो सेम होगा मे भी कहीं 1 परसेंट का डिफरेंस हो लेकिन वो भी उसके चांसेस बहुत कम है तो ये जो बात की गई है पार्टीशन की अब वो यही है कि टेबल तो एक ही था यानी अगर हमने तमाम डाटा एक जगह स्टोर किया होता तो इन तमाम क्लाइंट्स का डाटा एक ही जगह पड़ा हुआ होता बट ड्यू टू लेट्स एफिशंसी रीजन हमने इसको स्प्लिट कर दिया है टेबल को आप ये समझें टेबल तो एक ही था लेकिन हमने उसकी चार पांच मुख्त जगहों पे हमने उसको डिफाइन करके वहां पे हमने उसके समझे के कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए अब हर कंपोनेंट जो है एट इट्स ऑन प्लेस इट इज सर्विंग इट्स पर्पज अब देखें ना अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई एक पर्टिकुलर बैंक है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक कराची की ब्रांच में वही होनी है कोयटा की ब्रांच में वही होनी है पिशावर की ब्रांच में ऑलमोस्ट सेम होंगी तो तमाम बैंक वही ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन डेटा उनका अपना अपना है सही है ना जो हमारा पिशावर का डाटा स्टोर है वो उसके सराउंडिंग के क्लाइंट्स के ऊपर उनके डाटा के ऊपर कर रहा है लेकिन हमारे पास ऐसे भी हमारे पास एप्लीकेशन हैं ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स हैं दैट रिक्वायर डाटा फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस। तो उसके लिए हमने ये किया हुआ कि चूंकि हमने ओरिजिनली एफिशिएंसी बेसिस के लिए एफिशिएंसी पर्पस के लिए हमने इसको टेबल को स्प्लिट कर दिया था बट इन एन अदर रिक्वायरमेंट जो फॉर सर्टन रिक्वायरमेंट्स हम उसको पार्टीशन व्यू की शक्ल में ज्वाइन कर लेते हैं आपस में मिला लेते हैं तो ये बेसिक आइडिया है पार्टीशन व्यूज का सिंपल और कंप्लेक्स ये भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं ये जस्ट ये है कि इसी जो क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ते रहे हैं उसको देखने का एक और परस्पेक्टिव uh, है जस्ट वन फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन व्यू ऑन ए सिंगल टेबल इज सिंपल वाइल इन्वॉल्विंग मल्टीपल टेबल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू देर इज लॉट मोर ऑन व्यूज इसमें चूँकि ये हमारा फर्स्ट कोर्स है बेसिक कोर्स है डी बी एम एस पे तो इसमें एक चीज़ का आइडिया uh, आपको पेश किया जाता है जितनी डेप्थ पॉसिबल होती है फर्स्ट कोर्स में उस हद हाँ तक लेकिन व्यूज़ के ऊपर अभी बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हमारा दी कि जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं हर टॉपिक की फर्दर डेप्थ पॉसिबल है तो इसलिए जितना हमने इस कोर्स uh, में पढ़ा है या इस टॉपिक uh, के अंदर कवर किया है दैट वाइज यू बेस उसके बाद जिस वक्त आप एक डी को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो जो डीबीएमएस आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप फिर उसकी व्यूज की डेप्थ में जाइए और देखें कि जो ये हमने यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उसकी फिर फर्दर डिटेल्स हैं जो उसकी फर्दर टेक्निकलिटीज हैं उनके ऊपर आप गौर कीजिए डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंक्लूडेड आवर डिस्कशन ऑन व्यूज

जो कि निष्पतना ने हमको हम एडवांस टॉपिक भी कहते हैं या आप ये कह रहे हैं कि वो दे आर मोर कंसर्न विद द एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म बाय द डीबीए अभी तक हम जो काम करते रहे हैं दे आर मेनली कंसर्न ऑफ द डिज़ाइनर और वो डी बी अगर दोनों रोल प्ले कर रहा है बिकॉज सी जो डी का जो असल रोल स्टार्ट होता है वो जब आपका डाटा बेस डिवेलप हो गया सिस्टम डेवलप हो गया उसकी मैंटेनेंस में और उसकी नॉर्मल रनिंग में जो इसकी डे टू डे रनिंग है उसमें मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं कि जैसे बैकअप लेना डेटाबेस का उसको अप और डाउन करना इस तरह की एक्टिविटीज उसको मॉनिटर करना कि सही काम कर रहा है फिर इसके अलावा यह है कि अगर आपने कोई चेंजेस इसमें करनी है रिक्वायर्ड है तो उसको मॉनिटर करना या करना वो तो है मेन जॉब डी का लेकिन अभी तक हमने जो भी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं जो डिज़ाइनिंग uh, फेज से ख़ास तौर पर जो रिलेटेड थी दे वर द कंसर्न ऑफ द डिज़ाइनर और डीबीए या तो डिज़ाइनर भी होगा या कोई डिजाइनर नहीं भी है तो ऐसा भी होता है कि डी बी ए ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गनाइजेशन जिसके लिए आप सेशन डेवलप कर रहे हैं वो असिस्ट करता है या वो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द टीम जो कि डाटाबेस डिजाइन कर रही है तो जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है या इसके बाद के टॉपिक हैं उसमें ऐसा है कि मेनली दे आर हैंडल्ड बाय द डी बी एम एस इट सेल्फ डी बी ए उनको डी बी ए बार जगहों पर उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो गाइड करता है या वो बास कमांड इनिशिएट करता है लेकिन मैक्सिमम इसके जो हैं वो अंडरलाइन डीबीएमएस के अंदर हो रहे हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें मतलब बार दफा बुरे फील करते हैं लेकिन साथ ही ये इंटरेस्टिंग भी है वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आप सुनते हैं कि वो ऐसे होती हैं ऐसे इंप्लीमेंट होती हैं अब आपको ये पता चलेगा कि वो कैसे इंप्लीमेंट होती हैं उसकी थेरी क्या है और अगर ये ना हो तो डाटा बेस की फंक्शनलिटी में क्या प्रॉब्लम आते हैं इस लिहाज से चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा बेस की जो वर्किंग है डी की जो वर्किंग है वो समझ में आती है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो कि टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का जो कंसर्न है वो दो मेजर चीज़ें हैं एक उसमें आता है कि डाटा बेस रिकवरी और दूसरा आता है कर्नकरेंसी कंट्रोल और हम ये दोनों टॉपिक जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं और ये आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे बेसिक आइडिया ये है कि रिकवरी का आइडिया ये है कि आपकी जो रूटीन में आपका अगर डाटा बेस रन हो रहा है मतलब डेली उसकी जो आपने उसको ऑन किया जो उसमें डाटा इंटर हो रहा है एप्लीकेशन रन कर रही हैं लोग डाटा एक्सेस कर रहे हैं रेस्टोर स्टोर कर रहे हैं सारी एक्टिविटी चल रही है लेकिन बाद दफ़ ऐसा होता है कि आपका जो डाटा बेस है वो क्रैश कर जाता है क्रैश से हम राज है कि उसमें प्रॉब्लम आ जाता है प्रॉब्लम का बेसिकली आप यू डिस्क्राइब करेंगे कि जब डाटा बेस को आप जैसे कंप्यूटर को आप प्रॉपरली ऑन करते हैं ऑफ करते हैं इसी तरीके से डाटा बेस को या डी को डी को जब आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं तो द डाटा बेस दैट ए पर्टिकुलर डी बी एम एस इज कंट्रोलिंग या रनिंग या हैंडलिंग या मैनेजिंग उनको वो प्रॉपर तरीके से अप करता है और डाउन करता है दोबारा डी जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह डाटा को जो कि डी के अंडर रन हो रहे हैं जो उसके अंदर मैनेज हो रहे हैं उनको प्रॉपरली ओपन करता है अप करता है और वैसे ही उनको प्रॉपरली क्लोज करता है जब हम बात करते हैं सिस्टम क्रैश की इससे मुराद यह है बेसिकली कि आप वो काम प्रॉपरली ना कर सकें जो प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे दैट इज़ ए बैड सिचुएशन और जो आपका रिकवरी मैकेनिज्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब आपका एक दफा क्रैश हो गया दोबारा जब आप डीबीएमएस को अप करेंगे तो जो आपका रिकवरी सिस्टम है वो पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि लास्ट टाइम देर वॉज अ क्रैश और दूसरी बात यह है कि वो उस क्रैश के इफेक्ट्स को कैंसिल करेगा तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द डाटा बेस रिकवरी मैकेनिज्म दूसरा जो इसका पार्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सॉरी कंप्ले कंट्रोल उसका बेसिक आइडिया यही है कि आपके डाटा को मल्टीपल यूजर्स जो है वो एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे हैं जब एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे हैं तो इस फिनोमिना की वजह से कि मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं अगर हम इसको प्रॉपरली कंट्रोल ना करें देयर कुड बी प्रॉब्लम्स तो जो हमारा कंक्रेंसी कंट्रोल का मैकेनिज़्म है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो आपके जो वो प्रॉब्लम जो कि कंक्रेंट एक्सेस की वजह से आ रहे हैं उनको हैंडल करें तो ये दो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में तो आ, आ, देखते हैं कि इसका जो चैप्टर का जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है उसको हम इस लेक्चर में कैसे टच कर सकते हैं वेल well, uh, जो आपके पास ट्रांजेक्शन uh, मैनेजमेंट uh, है ये इसके दो मेजर पार्ट्स हैं जैसे मैंने अभी अभी, अभी आपसे कहा है द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट यानी कि जो दोनों इसकी एक्टिविटीज हैं कौन कौन सी रिकवरी और कंक्रेसी कंट्रोल दोनों का जो बेस है जिस पे ये होती हैं वो है ट्रांजेक्शन तो इस लेक्चर में आज के लेक्चर के इस आखिरी हिस्से में हम सिर्फ ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें तो ट्रांजेक्शन जो है वो ये है कि जिसे हम कहते हैं कि ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म ऑन द डाटा बेस मे इन्वॉल्व वन और मोर ऑपरेशन देखें दोबारा कि आपके पास जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि जब आप कहते हैं जिस चीज को आप कहें ये एक काम है ये एक एक्टिविटी है एज अ होल दैट इज कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन और एक ट्रांजेक्शन में एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं ऑपरेशन से ये कह सकते हैं उसको ऑपरेशन को आप सिंपली आप अपना जो आ, जो टूल है जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आप एक स्टेटमेंट समझ सकते हैं रफली तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो एक स्टेटमेंट पर भी मुस्टिमिल हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी हो सकती है और फिर यह लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द सिस्टम कि एक सिस्टम में आप ट्रांजेक्शन से क्या मुराद लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल है जैसे कि आप देखें अगर आप बैंक से एग्जाम्पल लें तो अकाउंट्स ओपन करवाना ये एक ट्रांजेक्शन है अगर आप किसी मेडिकल uh, स्टोर के रेफरेंस से देखें तो आप जाके वहाँ से फर्ज के मेडिसिन लेते हैं तो दैट में बी ए ट्रांजेक्शन रेफरेंस टू द मेडिकल स्टोर अगर आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट को एनरोल करना पेपर के रिजल्ट एंटर करना रिजल्ट को कंपाइल करना ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करना ऑल दिस कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शंस कि जिसको आप कहें कि इस एनवायरमेंट में सिस्टम हाँ, इस में, में ये काम है एक एक्टिविटी है दैट गिव्स ए लॉजिकल फ्रेमवर्क कि हाँ इसमें इसे माध्यम ये चीज़ है इसमें ये काम होते हैं तो जिन स्टेप से मिलके आपकी ट्रांजैक्शन बनती है दे आर कॉल्ड ऑपरेशंस और ओवरऑल वो दे विल बी कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहां कंक्लूड करेंगे और आज आपने देखा कि हमने व्यूज़ के ऊपर अपनी डिस्कशन को फाइनल किया और इसके अंदर हमने ख़ास तौर पे जो चीज़ आज स्टार्ट की थी वो ये था कि किस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं थ्रू ए व्यू लेकिन उसमें हमने कहा था कि एक वक्त में एक टेबल के ऊपर उसके बाद वी डिस्कस्ड दी मटेरियलाइज्ड व्यूज़ उसके फ़ायदे क्या हैं और उसको कैसे क्रिएट करते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है पार्टीशन व्यूज़ के ऊपर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो होते क्या हैं और अब हम अपने इस सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट उस एंटर हो चुके हैं और हमने अभी तक उसकी जो ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन है उसको ब्रीफली डिस्कस किया है तो हमारी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेगी इन अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़